हेलो नमस्कार, कैसे हैं मेरे सभी मित्र। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं संजना साइमन बहुत खुश हूँ, और इन 2 दिनों में जब से मैंने अपना फ़ोन नंबर शेयर करा है, काफ़ी सारी ट्रांस से बातचीत हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है इस काम को करते हुए। आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो इस बात का और मज़ा आया है। और कुछ ऐसी ट्रांस से भी बात हुई है जो कि बहुत सच में जेन्युइनली प्रॉब्लम में थी और बहुत तकलीफ़ हुई उनके बात सुन के। कोई 40 एज की हैं, कोई 50 ईयर्स की हैं। एक मैम से बात हुई, वो 60 ईयर्स की हैं, उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, और वो बहुत परेशान हो रही थी कि मैंने अपनी लाइफ को क्या करा, कि कैसा डिसीजन लिया मैंने। और ये ऐसा डिस्फोरिया है, एक जेंडर डिस्फोरिया जो है, ये एक ऐसा मन के अंदर चलने वाला तूफान है, वो आपकी एज के साथ में बढ़ता चला जाता है। और मैं एक रिलीजियस स्टडी करके आई हूँ, तो मुझे मतलब ये चीज़ बहुत अजीब भी लगती है कि बहुत सारे मज़हब में इस चीज़ को बहुत गलत करार दिया गया है कि क्यों मतलब एक एक बॉय जो है वो गर्ल बन रहा है, क्यों मेल टू फीमेल सर्जरीज होती हैं, क्यों ऐसा बनते हैं आप लोग, जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है आप वैसे क्यों नहीं रहते हैं। तो मैं इस बात को जब मनन करती हूँ, मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो तकलीफ़ जो पीड़ा हमारी होती है, हम वो चाह के भी नहीं दिखा सकते लोगों को। मतलब शायद कोई जैसे बुखार नापने का एक औजार होता है ना, अगर शायद हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ़ को नापने का कोई औजार होता तो शायद वो औजार टूट गया होता। एक ट्रांस को इतनी तकलीफ़ होती है अपनी ज़िंदगी में, वो जो पल होता है उसकी लाइफ में जब वो ट्रांजिशन नहीं करा रही होती है, वो एक गलत शरीर में होती है, तो भले ही हम कुछ भी बोलें कि ये गलत है या ये प्रकृति के खिलाफ है, ये ईश्वर के खिलाफ है, कुछ भी बोलें, लेकिन सच में वो ज़िंदगी बहुत भयावह होती है, वो ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 30 साल उस तरीके से गुजारे हैं, और मैं खुद इस बात को बोलती हूँ कि मैं एक जिंदा लाश के समान थी, पूरी तरीके से जिंदा लाश। मैं खुशी नहीं थी। कोई शादी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोने में खड़े हुए हैं, रो रहे हैं अपनी किस्मत पे, कोस रहे अपने आप को कि हम क्या पैदा हुए हैं, लोग हम पे हंस रहे हैं, लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, हम जो नहीं पहनना चाहते हमें वो पहनाया जा रहा है, हम जो नहीं करना चाहते हमें वो जबरदस्ती करना पड़ रहा है। और कुछ तो मतलब ऐसी ट्रांस होती है, इतनी बेचारी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे तरस आता है कि उनकी शादी करवा देते हैं माँ बाप जबरदस्ती। ओह, इतना बड़ा बर्डन है इस बात का कि आपको एक मतलब एक महिला होके और आपकी शादी महिला से करवा दी जा रही है, तो इससे बड़ी टेंशन तो शायद ही कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि दुनिया के सामने हम कितने भी आर्टिफिशियल क्यों ना, हम जब अपने कमरे के अंदर आते हैं तो हम मतलब सुकून में होते हैं, सहज होते हैं, हमें लगता है कि चलो अब हम अपने घर आ गए हैं, अब हम अपनी ज़िंदगी जियेंगे। मैं भी जब ट्रांजिशन नहीं कराया था तो मैं अपने कमरे के अंदर, अपने रूम के अंदर अपने आप को बड़े अच्छे से मतलब सजाती थी, संवारती थी, और कोशिश करती थी कि मतलब मैं अपने उस रियल जो मैं हूँ, जो मैं संजना हूँ, मैं उस ज़िंदगी को जी सकूँ, भले ही एक कमरे के अंदर ही सही, लेकिन मैं उस पल को जी सकूँ, उस पल को इंजॉय कर सकूँ। और ये बात का मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोग समझ नहीं पाते इस दुविधा को, लोग समझ नहीं पाते इस परेशानी को, और अजीब अजीब से इल्ज़ाम लगाते हैं। और मैं जब, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ मूल रूप से, तो मुझे बाइबल की ही बात करूँगी, मैं बाइबल जब पढ़ रही थी तो मैंने उसमें देखा कि एक व्यक्ति यीशु मसीह से मिलता है और वो व्यक्ति जन्म से अंधा होता है, मतलब उसको बाय बर्थ उसके पास आँखें नहीं होती हैं। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, जब उसको परेशान देखते, उसको पीड़ा में देखते हैं, तकलीफ़ में देखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एक मिट्टी लेते हैं और उसको सानते हैं अपने जो स्लाइवा होता है अपना, उससे सानते हैं थूक से, और उसको यहाँ पे लगाते हैं उस अंधे व्यक्ति की, मतलब इस जगह पे लगाते हैं, और उसकी आंखें बनी ही नहीं थी एक्चुअली, हमारी तो बनी हुई हैं आंखें, उसकी तो आंखें बनी ही नहीं थी, अब वो उसके ऊपर लगाते हैं और जब उसका विश्वास देखते हैं तो उसकी आंखें बन जाती हैं और वो देखने लग जाता है। मतलब कि एक जन्म से अंधा व्यक्ति जो होता है वो यीशु मसीह सही कर देते हैं। अब मैं इस बात के ऊपर मनन कर रही थी कि यीशु मसीह के पास इतनी पावर है कि उन्होंने पूरी दुनिया को बोल के बना दिया कि भाई ऐसा हो जाए तो ऐसा हो गया। उन्होंने मुर्दे को कहा, लाजर नाम का एक मुर्दा था, उससे बोले कि लाजर बाहर आ जा, तो लाजर 3 दिन का मरा हुआ था, उसके बावजूद वो तो कब्र से बाहर निकल के आ गया। तो यीशु मसीह तो चाहते उस अंधे को भी बोलते कि तेरी आंखें सही हो जाए, और हो जाती, वो तो ईश्वर थे। लेकिन उन्होंने एक शल्य चिकित्सा करी, उन्होंने एक प्रकार से एक ट्रीटमेंट करा, एक सर्जरी करी, उन्होंने वो मिट्टी ली, उसको गूंदा, एक आग के समान कुछ बनाया होगा, और उसको रख के उन्होंने जब दुआ करी तो उस व्यक्ति की आंखें आ गईं। मैं
मैं बात को जब सोच रही थी तो मुझे लगा कि धर्म के लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया था वैसे रहिए, मतलब आपको अगर पुरुष बनाया है और आप अपने अंदर महिला फील कर रहे हैं और आप तड़प रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी इतनी ज़्यादा मतलब साइकोलॉजिकली आप इतने हर्ट हो रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि यार मैं सुसाइड कर लूँ तो बेटर है, मैं मर जाऊँ, मतलब आपको मरना अच्छा लग रहा है, जीना अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप इस कदर परेशान हो गए हैं और फिर अगर आप अपना दुख अपने परमेश्वर के आगे रख रहे हैं और उसने एक ऐसी चीज़ को नजात किया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो कि आपको आपका वो शरीर वो स्वरूप दे सकती है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत बात है। जब परमेश्वर जन्म से अंधे व्यक्ति को सही कर सकते हैं, उसकी पीड़ा देख के उसको आंखें दे सकते हैं, तो हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दया सागर है, वो भी हमारे ऊपर तरस खाता है, वो भी हमारी परेशानियों को देख के वो भी एक समय पे हमसे कहता है कि चल बच्चे जी ले अपनी ज़िंदगी। और मैं जब साइकेट्रिस्ट के पास गई थी तो साइकेट्रिस्ट ने मुझको बात बोली थी कि हम आपका मन नहीं बदल सकते, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि हम आपका मन बदल दें या हम आपका आत्मा बदल दें, हम आपके प्राण बदल दें। हाँ हम कुछ बदल सकते हैं तो आपका शरीर बदल सकते हैं, क्योंकि शरीर हम देख रहे हैं, तो ये बहुत प्रैक्टिकली चीज़ है कि आप शरीर अपना देख रहे हैं, आप शरीर के अंदर जो भी परेशानी होती है, जो भी दिक्कत होती है, तो आप वो सब देख रहे होते हैं, तो आप वो बदल सकते हैं, लेकिन आप मन नहीं बदल सकते। आप किसी की सोच को अगर वो गंदी है तो उसको साफ तो कर सकते हैं, कि कोई अगर व्यभिचार कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये गलत है, इसको मत करो, उससे दूसरे इंसान को तकलीफ हो रही है। आप किसी को मर्डर कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि भाई मर्डर कर रहे हो, सामने वाले इंसान को तकलीफ हो रही है। आप चोरी कर रहे हो तो हम बता सकते हैं कि हाँ एक इंसान ने इतनी मेहनत से जमा पूंजी करी जीवन भर की और आप गए आपने डकैती कर ली, चोरी कर ली, तो ये गलत है। तो ये सब चीज़ें गलत लगती हैं। आप माता पिता को हर्ट कर रहे हो, उनका अनादर कर रहे हो, उनसे गाली गलौज कर रहे हो, तो समझ में आता है कि भाई माँ बाप ने इतनी मुश्किल से आपको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, आप उनको हर्ट कर रहे हो, वो समझ में आता है वो सब गलत है, क्योंकि वो दूसरे इंसान को हर्ट कर रहा है। अब परमेश्वर के छोड़ के भी अगर आप कुछ और ऐसा कार्य करते हो जिससे कि परमेश्वर को निरादर होता है, तो वो भी समझ में आता है, लेकिन ये बात मुझे तो समझ में नहीं आई कि किस तरीके से हम इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि ये पाप है, ये अपराध है, गलत है, जबकि खुद वचन बोलता है इस बात को कि परमेश्वर ने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को सही कराया है। जब परमेश्वर एक जन्म से अंधे व्यक्ति को सही कर सकता है, तो अगर हम जन्म से इस तरीके की सोच लेके पैदा होते हैं तो परमेश्वर इसको भी सही कर सकता है। और अच्छी बात है कि हम आँख के रहते हुए अगर नरक में जाएं, इससे अच्छा है कि हम अपनी आँख निकालते जो व्यभिचार का कारण बन रही है और हम बिना आँख के स्वर्ग में चले जाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम तिल तिल मरते रहेंगे, हम व्यभिचार करते रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, हम उदास रहेंगे, निराशा भी रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेगेटिव सोर्स है, ये शैतान की चीज़ें हैं। अगर हम ऐसे बन के रहते हैं तो हम शैतान के ही कब्जे में हैं, तो क्या फ़ायदा है इस शैतानी ज़िंदगी जीने का। इससे बेहतर तो ये है कि आप अपनी सर्जरी परफॉर्म करके एक इज्जत की ज़िंदगी जी लीजिए। लेकिन आपको ये बात देखनी है कि आप सर्जरी करवा क्यों रहे हैं, क्या आप व्यभिचार पे सर्जरी करवा रहे हैं, क्या आप सर्जरी इसलिए करवा रहे हैं कि आप एक प्रोस्टिट्यूट बनना चाहते हैं, आप एक सेक्स मशीन बनना चाहते हैं, आप नए नए लड़कों के साथ सोना चाहते हैं। अगर इस तरीके का व्यभिचार आपके मन में है तो ये तो फिर ना सिर्फ आपके लिए गलत है बल्कि एक नॉर्मल आदमी औरत सबके लिए गलत है, अगर इस तरीके का विचार आपके मन में है तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात तो ये है कि सर्जरी करवाने के बाद में हमारा जो लिबिडो होता है, हमारा सेक्स का जो इंटरेस्ट होता है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है और ये काफ़ी डाउन हो जाता है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाते हैं, हम एक इंसान के प्रति कमिटेड हो जाते हैं, हम अपने आप को यूं ही किसी को नहीं सौंप सकते क्योंकि हम अपने आप को पूर्णतः एक फीमेल के समान समझते हैं, हम अपने रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बॉडी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक एडवांटेज के तौर पे मैं देखती हूँ सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी का। और मैं बहुत इसके पीछे मनन कर रही थी क्योंकि मैं जब धर्म की राह में जुड़ी तो मुझे लग रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है, अगर परमेश्वर ने ऐसा बनाया है तो क्या हमें ऐसा ही रहना चाहिए। और मुझे लगा कि मैं जब तक वैसी थी तब तक मैं बहुत निराशावादी थी, मैं बहुत व्यभिचार में भी थी, मैं गलत चीज़ों में थी, मैं एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रही थी, पवित्र ज़िंदगी नहीं जी रही थी, उस ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ मैं एटलीस्ट 60-70% एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी रही हूँ, एक ऐसी लाइफ है कि मेरे माँ मेरे भाई ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा बच्चा उसे जो भी किया हो लेकिन वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि आप सब लोग की पीड़ा, आप सब लोगों का दर्द मैं समझती हूँ, मैं खुद इस पीड़ा से गुजर के आई हूँ, मैंने खुद इस दर्द को झेला है, मैं खुद रोई हूँ, रातों में रोई हूँ, मैंने दुआएं मांगी हैं, मतलब ऐसे
सजदे में जाके और झोली फैला फैला के मैंने खुदा से दुआएं मांग ली हैं कि खुदा मुझे मुझे वो ज़िंदगी दे जो मैं चाहती हूँ, जो मेरी असली खुशी है। और आज मुझे खुदा ने वो ज़िंदगी दी है जो कि मैं चाहती हूँ, और मैं ज़िंदगी का कोई भी मिसयूज़ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैंने इतनी मन्नतों से, इतनी दुआओं से अपने अपने स्वरूप को पाया है, अपने नारी तत्व को पाया है, अपने स्त्री तत्व को पाया है, तो मैं इसको ठट्टों में न उड़ाऊँ, इसका मजाक न बनवाऊँ लोगों के साथ में, इसके साथ व्यभिचार न करूँ, इसके साथ में कुछ गलत न करूँ। और यही मैं सीख आप लोग को भी देना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों ने ये प्रण किया है, ये सोचा है कि आप लोग भी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाएंगे, तो कुछ ऐसा जरूर बड़ा कीजिएगा कि आपके घर वाले, आपके माँ बाप वहाँ पे प्राउड फील करें, वो इस बात को कह सके कि हमारी सारी औलादों में ये औलाद ऐसी थी जिसने कि हमारा हमारा फख्र से सर ऊंचा कर दिया है, इसमें जो भी कुछ किया अपनी परेशानी के मद्देनजर, लेकिन आज की तारीख में ये जो कर रही है वो मिसाल है, वो अच्छा है। तो ऐसे बनने की कोशिश कीजिएगा। सर्जरी करवा के एक रूम ले लिया और वहाँ पे जाके प्रोस्टिट्यूट बन गए, इजी वे में पैसे कमा रहे हैं, इतने सारे सोशल एप्स चल रहे हैं जहाँ पे कि आप डेटिंग करते हैं, आप किसी को बुला रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और उसके एवज में आपको कुछ पैसा मिल जा रहा है, और आप सोच रहे हैं हम तो बड़े मजे से पैसे कमा रहे हैं। या फिर आप किसी अमीर इंसान को, जो कि अमीर है, अकेला है, ओल्ड एज है, उसको सपने दिखा के सुहावने उसका पैसा ऐंठ रहे हैं, या किसी को इमोशनली फूल करके उसका पैसा ऐंठ रहे हैं कि कोई भाई आदमी है, वो बाहर जॉब कर रहा है, वो बहुत अच्छी पोस्ट में है, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और गवर्नमेंट जॉब में, बड़ी पोस्ट में, फैमिली से दूर है, और आप उसको सपने दिखा रहे हैं या उसके साथ में जाके गलत काम कर रहे हो, फिर आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। अगर यही सब करना है तो फिर मैं तो कहूँगी आपको सर्जरी कभी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ये मन्नतों से और दुआओं से मिलने वाली एक खूबसूरत नियामत है खुदा की। अगर आपको ये मिल रही है तो आपको इसे कदर करनी चाहिए और अपने आप को उस पाकीज़ा हालत में रखना चाहिए कि आपका खुदा जब आपसे मिले, आपसे मुलाकात हो, तो वो आपके ऊपर अपना प्यार और अपना तरस दिखा सके। आप जब मर के कब्र में जाए तो आपको इस बात का खतरा ना हो, इस बात से डर ना लगे कि वहाँ पे मेरा क्या हाल होगा, बल्कि आपको इस बात की खुशी हो कि मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जी है, मैंने एक पवित्र ज़िंदगी जी है, अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मेरी आत्मा परमात्मा में तत्लीन हो जाएगी, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। क्योंकि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, हमें उस बारे में भी सोचना बहुत आवश्यक है। सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन में उतर जाना, एक लड़का छोड़ा दूसरे लड़के को मतलब करना, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक ट्रांस वूमेन हूँ, और मैं जब लोगों से बात करती हूँ, एडवोकेट करती हूँ अपनी कम्युनिटी को, तो लोग यही बोलते हैं कि अरे जाओ ट्रांस वूमेन, अरे जाओ तुम लोग तो ऐसे ही होती हो, तुम लोग तो वैसे ही होती हो, तो वो बड़े गलत तरीके से देखते हैं। तो मुझे इतना अजीब लगता है कि आज हम सही राह में चल रहे हैं, हम धर्म की राह में चल रहे हैं, हम अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी चंद गलत लोगों की वजह से हम लोगों को गलत समझा जाता है। तो आप लोगों को ये नहीं करना है। अगर आपने ये कपड़ा पहना है ना, अपनी माँ, अपनी बहन को देख के उनकी इज्जत को अपने ऊपर रखा है, तो इस इज्जत की कदर करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है कि आपने इतनी बड़ी सर्जरी करवा ली और अपने अपने माँ और अपनी बहन के अस्तित्व में आ गए, और फिर आके आप गलत काम करें, तो ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। ये सच में एक व्यभिचार है बहुत बड़ा, जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं है, ना तो इस दुनिया में, ना इस दुनिया के बाद में। तो अगर आपने अपने आप को इस कपड़े में छुपाया है, तो इस कपड़े में लिपटी अपनी माँ बहन की इज्जत को भी अपने अंदर रखना शुरू कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, लड़की बनने का मतलब ये नहीं है कि बाल बड़े कर लिए, काजल बिंदी, लिपस्टिक लगा ली, ये लड़की बनने का मतलब नहीं है। क्योंकि इस तरीके से तो बहुत सारे भांड है जो भी ये काम करते हैं, बहुत सारे यू नो ऐसे लोग होते हैं जो कि शोज में या फिर पब्लिक प्लेसेस में कुछ नुक्कड़ नाटक करते हैं, या कुछ ऐसे शोज करते हैं जिसमें वो लोग गेटअप करते हैं और कपड़े पहनते हैं और वो लोग लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो वो सब लड़कियां नहीं होते हैं, वो लोग सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो काम करते हैं। लेकिन आप जब लड़की बन रहे हैं तो आपको अपने लंबे बालों से और अपनी खूबसूरत शक्ल से लड़की नहीं बनना, बल्कि आपको अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने विचारों से, अपने आप को प्रेजेंट करने के हर उस तरीके से लड़की बनना है जैसे आपकी माँ है, जैसे आपकी बहन है। आपको हर समय अपने आप को उसी कैटेगरी में रख के देखना है कि क्या मेरी माँ ऐसा करती थी, क्या मेरी बहन ने ऐसा किया, नहीं ना। तो जब माँ और बहन त्याग की एक मिसाल है, प्यार की, मोहब्बत की एक मिसाल है, सात्विक जीवन की एक मिसाल है, तो आपको भी वैसे ही जीवन को जीना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि आपकी मम्मी और आपकी भाभी और आपकी बहन हो। मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी
एक माँ के समान जीने की, अपनी भाभी के समान जीने की, जो बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी उन लोग को कुछ गलत करते हुए नहीं देखा। वो कमिटेड है अपने अपने हस्बैंड्स के साथ में। वो कपड़े पहनने का तरीका हो या बातचीत करने का तरीका हो या कोई भी धार्मिक विचार हो, तो वो मैंने देखा है कि वो लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और मेहनत करके रोटी कमाने में बिलीव करते हैं। वो नौकरी भी करते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, रोटी भी पकाते हैं, घर आके सब कुछ खुद करते हैं। तो इसे कहते हैं औरत। ये होती है औरत। औरत का मतलब ये नहीं है कि छोटा सा फ्लैट खरीदो, गलत काम करके पैसे कमाने लग गए, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा सवाल बनने वाला है। लोग यूं ही विरोध करते रहेंगे, भले वो मसीह समाज हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुत्व हो, कोई भी समाज हो, वो हर समाज इस बात को गलत ही कहेगा। हिंदूज में आप जाइए तो वो आपको अर्धनारीश्वर मानते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका अर्धनारीश्वर महाशिव एक व्यभिचार कर रहा है या वो एक फ्लैट के अंदर गंदा काम कर रहा है। तो वो आपकी घृणा करेंगे, आपसे आपसे नफरत करेंगे, आपको पाप में लेके आएंगे, ये पाप है उनकी नज़र में। आप इस्लाम में भी जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि आपने खुदा की मखलूक को क्या कर दिया, इतना खूबसूरत खुदा ने आपको पैदा किया था, बिल्कुल अपने समान पैदा किया था, अपनी अपना रूह के स्वरूप में पैदा किया था, आपको अपनी रूह देके भेजा था, और आपने अपने आप को इतना गंदा कर दिया है। यही चीज़ ईसाइयत बोलती है, मसीह समाज भी यही बोलता है कि ये चीज़ गलत है। तो व्यभिचार करना बिल्कुल गलत है। बेशक अगर आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत तकलीफ़ में हैं, तो जिस तरीके से यीशु मसीह ने जन्म से अंधे व्यक्ति को आंखें देख के उसके जीवन को उद्धार कर दिया था, ऐसे हमारा परमेश्वर भी हमारी जन्म से देखी हुई प्रॉब्लम्स को सही करता है, ट्रीट करता है और हमें एक अच्छी ज़िंदगी देता है। तो अच्छी ज़िंदगी को आप ग्रहण कीजिए, बुरी बातों को छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का अपना प्यार देने के लिए और मेरे को अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। मैं उस वीडियो को मतलब चाहती हूँ आप सब लोग देखें ताकि आप सब लोग के पास से व्हाट्सएप नंबर पहुँचे और इसकी आउटरीच आप बढ़ाइए। आपके अगर और चांस फ्रेंड्स हैं इधर उधर तो आप उनको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं उस वाले वीडियो का लिंक, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ सकें और हम लोग मिलकर साथ में काम कर सकें। मेरा बहुत मन है और मेरे साथ में मेरी और फ्रेंड्स भी हैं, वो लोग भी बहुत चाहती हैं कि आप लोग के लिए काम करें। बल्कि वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दीदी अगर आपका ये काम प्रोग्रेस करता है तो हम भी अपनी जॉब छोड़ के आपके साथ में आएंगे, क्योंकि ये बहुत सोशल और नोबल कॉज है। क्योंकि हम लोग परेशान थे, हमने परेशानियाँ देखी हैं, तो हम आपकी परेशानी समझते हैं। परेशान मत होइए, विचलित मत होइए। अगर एक दिन में आपके मैसेज का जवाब नहीं आता है या आपकी कॉल नहीं उठाई जाती है तो परेशान मत होइए। जब भी टाइम मिलेगा, जैसे भी टाइम मिलेगा, मैं आपसे ज़रूर रब्ता करूँगी और आपकी प्रॉब्लम्स को कोशिश करूँगी कि बहुत ही कम पैसों में बहुत मिनिमम चीज़ों को खर्च करके सॉल्व कर दिया जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आपसे विराम लेती हूँ। धन्यवाद। जय यीशु, जय भारत।